फ्रेंड्स, आज हम लोग 19 डेज का ऑस्ट्रेलियन टूर ख़त्म करके वियतनाम पहुंचे हैं होचीमिन में। होचीमिन एक बहुत ही छोटा सा सिटी है, वियतनाम भी छोटा सा कंट्री है जो कि बहुत कुछ देर पहले ही इंडिपेंडेंट मिला था, पहले इंडिपेंडेंट हुआ है। हमने आरएनडी करी थी, हमें बड़ा अच्छा लगा था, तो हमने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया से वापस आते हुए हम लोग कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, तो हमने 7 डेज़ का टूर यहाँ पे बनाया। ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत बढ़िया था, हमने उसकी 1-2 एपिसोड 13 सीरीज रिलीज़ करी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सारी देखी हैं तो हमें बताएं कि उसमें क्या कमी है, ताकि आने वाले टूर्स में हम लोग उसको करेक्ट कर सकें। और अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वॉच देम, बी विद अस। और यहाँ पे क्या हुआ है कि जब हम लोग आए 6:30 पे हमारी फ्लाइट लैंड करी है और 9:00 पे हम लोग होटल पहुँचे थे। अर्ली चेक इन बताया गया था, बट रूम वाज दे सेड रूम इज़ नॉट अवेलेबल। एनीवेज हमने मैनेज किया, लगेज वगैरह रख के फ्रेश होके हुए वेंट फॉर डे टूर ऑफ दी होचीमिन। तो अभी हम लोग आज डे टूर की वीडियो बनाने जा रहे हैं और आगे हम सीरीज शुरू कर रहे हैं वियतनाम की। सो काइंडली स्टे विद अस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को देखिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो हम सीधा ब्रेकफास्ट के लिए एक रेस्टोरेंट में गए हैं। वहाँ पर हमने वेजिटेबल नूडल्स ऑर्डर करे हैं, काफ़ी डिलीशियस थे। और कॉफ़ी ऑर्डर करी और कॉफ़ी जब आई तो प्रेजेंटेशन वॉज वेरी गुड, वेरी बहुत अच्छा लगा देख के, एंड टेस्टी, इट वॉज वेरी टेस्टी ऑल्सो। हम लोग अभी वियतनाम वार मेमोरियल में हैं और यहाँ पर पूरे US आर्मी के टैंक्स और ये चॉपर्स रखे हुए हैं। आज सुबह हम लोग जब लैंड करने गए तो कुछ प्रॉब्लम्स में आई हैं कि हमें पहले तो रूम में चेक इन नहीं मिला, उन्होंने सामान रख के बोला कि फुल है तो बाद में आना है। उसके बाद हम लोग चले गए एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे कॉफ़ी और नूडल्स खाए जो बहुत टेस्टी थे। बाद में मेमोरियल में टिकट लेने लगे तो बोले कि कार्ड नहीं चलता है। और उसके बाद हम लोग ने एटीएम ढूंढ के वहाँ से कैश विड्रॉ किया, डरते डरते हमने किया करीबन 4 लाख विड्रॉ, 2 लाख विड्रॉ किया, और जो कि 714 ऐसे कुछ बना करेंसी, और 80,000 हमने यहाँ की टिकट दी है। US आर्मी का टैंक है, ये US आर्मी का बुलडोज़र है और ये माउंटेड गन है, एंटी टैंक लग रही है ये। ये सब हैवी गन्स हैं और टाइजर। किंग ऑफ द बैटलफील्ड बोलते हैं, बहुत लॉन्ग रेंज और इसकी बैरल है और पीछे इसके बुलडोजर लगा हुआ है साथ में। ये लग रहा है कि टैंक के ऊपर का हिस्सा है, ये मशीन गन है, बोट्स ऐसी मशीन गन का जो सिल्वेस्टर स्टैलोन ने किया था रैम्बो 2 या 3 में, जिसने वियतनाम वॉर दिखाई गई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 3 में शायद अफगानिस्तान वॉर थी और 2 में शायद वियतनाम वॉर थी। ये सारे बॉम्ब जो हैं अमेरिकन आर्मी ने वियतनाम के ऊपर गिराए थे। इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं, एक छोटे सा देश है ये वियतनाम। ये सिस्मिक बॉम्ब है जिसकी हाइट लेंथ जो है 3.35 मीटर्स, डायमीटर 1.37 मीटर्स और एक्सप्लोजिव 5,700 kg। यहाँ का अमेरिकन वॉर के साथ इतिहास बहुत ही ज़बरदस्त है, इतने छोटे से कंट्री के ऊपर इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स। बाहर से भी तो अंदर गए नहीं हम लोग, बहुत अच्छा म्यूजियम बनाया हुआ है ये बाहर से तो। और ये US एयरफोर्स के प्लेन्स हैं, शायद ऐसा म्यूजियम अभी अफगानिस्तान में ही बन जाए क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कुछ अभी US छोड़ के गया हुआ है। ये US एयरफोर्स एरोप्लेन माउंटेड बॉम्ब, ये US का चॉपर है जिसमें मशीन गन भी लोडेड है। ये टाइगर केजीज हैं जो शायद वियतनामीज के हैं, ये जेल है इनफैक्ट। ओह माय गुडनेस,
यहाँ पर एक डेसिपिटेटर रखा हुआ है जो कि फ्रीडम फाइटर्स को डेसिपिटेट किया जाता था, मतलब उनका सिर काट दिया जाता था। ये बार्बड वायर की बनी हुई केजेस हैं डिफरेंट साइजेस की, और इसमें जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको इस तरीके से ज़मीन पर लिटा के उनके ऊपर इसको रख दिया जाता था। हमने तस्मानिया में आर्थर जेल देखी, वहाँ भी बहुत इनह्यूमन कंडीशंस थी, यहाँ पर भी हैं, और हमारे इंडिया में सैलर जेल में भी अंग्रेजी ऐसे ही करते थे। कितने बुरी तरीके से जो है टॉर्चर किया जाता था, किस तरीके से उनको उल्टा, ओ माय गॉड, इसको सन बाथरूम कहा जाता था, यहाँ टॉर्चर किए जाते। अभी हम बाहर से देखने के बाद म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं, और अंदर इनकी फ्रीडम हिस्ट्री की पूरी पिक्चर्स दी गई हैं, जो कि बहुत ही भयानक मैं समझता हूँ हैं। शायद अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ तो इंडिया की ऐसी नहीं रही थी, क्योंकि इंडिया में नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, वायलेंट मूवमेंट बहुत कम थी इंडिया में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ था यहाँ पर भी। वियतनाम में जहाँ तक है उसकी हिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट है, पहले वहाँ फ्रेंच थे, फिर जापनीज आए, उसके बाद साउथ और नॉर्थ वियतनाम की आपस में हुई, जिसमें कहीं सोवियत यूनियन और चाइना सपोर्ट में थे, और कहीं पर ऑस्ट्रेलिया वगैरह थे। फाइनली जो है वो अमेरिका के हाथों में बहुत भारी उसने मार खाई है, जिसमें मेजर वायलेंस जो देखने में आ रहा है कि वो अमेरिकन्स फोर्सेस के साथ में ज़्यादा हुआ था, और फिर अमेरिकन से ही इन्होंने इंडिपेंडेंस ली थी, और अमेरिका फाइनली अपने काफ़ी हैवी आर्मोर जो है वो छोड़कर यहां से चले गए थे। तो इस म्यूज़ियम के अंदर उनके जो एम्बुनेशंस जो ये लोग यूज़ करते थे, वियतनामीज यूज़ करते थे, वो रखे गए हैं, और किस तरीके से अमेरिकन फोर्सेस ने उनके ऊपर किस तरीके से डिस्ट्रक्शन करी थी वो सब दिखाया गया है। वहाँ पर उनके ऊपर ऑरेंज एजेंट फेंका गया था बम के रूप में एरोप्लेन से, जो कि बहुत ही डेंजरस था, और उससे उनके 60-70 हज़ार लोग मर गए थे, और बहुत से लाखों लोग वहाँ पर जो है डिफेस हो गए थे, अंगहीन हो गए थे। और यहाँ तक उसका इम्पैक्ट था कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट रहेगा। सो इट्स रियली बहुत ही दुखदाई था ये, बहुत ही देखने में, और हमने देखा वहाँ पे कुछ फॉरनर्स आए हुए थे जो ये सब देख के रो रहे थे, वर्ष ये सब देख के कि इतना सब कुछ यहाँ पे हुआ है, बट हुआ है, ये हिस्ट्री है, और वी हैव टू एक्सेप्ट इट। दो कुछ अमेरिकन सोल्जर्स और कमांडर्स को अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने पनिश भी किया था, बट थिंग्स आर कि जो डिस्ट्रक्शन हो गई है, जो घरों में नुकसान हुआ है, वो वापस नहीं आ सकता। कल का हमारा टूर जो है वो टनल्स का है, जो कि लाइव वॉर एरिया था। अभी हम लोग म्यूज़ियम से बाहर आ गए हैं, बाहर इस समय बारिश लगी हुई है, वहाँ छाते रखे हुए थे म्यूज़ियम्स के गेट से लेके बाहर गेट जाने तक। सो हम लोग अभी वहाँ से निकल के सीधा अपने होटल जाएंगे, और अभी वहाँ पे होटल में जाके हम लोग लंच लेंगे। तो हमने उनको वेजिटेरियन समझाया कि हमें ऐसे ऐसे चाहिए, तो हमें फ्राइड राइस और नूडल्स दिए हैं जो टेस्टी हैं। इस एपिसोड को मैं यहीं साइन ऑफ करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करिए, और कमेंट्स दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड्स में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।